चलो दोस्तों, डे डेट एंड टाइम क्लास थ्री का वर्कशीट फोर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में है दोस्तों कन्वर्ट इनटू आवर्स। आवर में चेंज करना है तो हम लोग जानते हैं वन डे मेट आवर में चेंज करना है तो डी ए वाई। वन डे इक्वल टू होता है दोस्तों कितना, 24 आवर्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ए नंबर है टू डे, तो टू इंटू कितना करेंगे दोस्तों, 24, इसलिए 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, इतना आवर्स हो जाएगा। बी नंबर में है दोस्तों 8 डे, और हम लोग जानते हैं 1 डे 24, तो 24 तो यहाँ हो जाएगा 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16 17 18 19, तो हो जाएगा 19, इतना आवर्स। नेक्स्ट है सी नंबर 30 इंटू 24, तो दोस्तों 30 डे का निकलना है और एक 1 डे 24 आवर होता है। दोस्तों 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 पहले बढ़ा देते हैं, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, और 3 2 जा 6 1 7, तो इतना क्या हो जाएगा आवर। उसके बाद है डी नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, इसमें 1 वीक लिखा हुआ, यहाँ लिख देता हूँ 1 वीक इक्वल टू 7 डे होता है। तो यहाँ 1 वीक सिर्फ नहीं, 1 वीक इंटू 7 डे, क्योंकि हम लोग को डे नहीं आवर्स में चेंज करना है, इसलिए और फिर 24 हो जाएगा, इसलिए 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 15 16, तो हो जाएगा 16 168 आवर। नेक्स्ट है ई नंबर में कितना है 12 डे चेंज करना है, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा कितना, 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 2 जा 24 और 4 28, इतना आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एफ नंबर में 31 डे, 31 डे को चेंज करेंगे तो 24 दोस्तों, तो इसको ऐसे प्रॉब्लम होगा तो 4 यहाँ ऐसे करके बता देता हूँ, यहाँ 3 1 एंड 2 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहाँ 4 2 2 4 6 1 7, तो 7 4 4, 744 ये आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट टू नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, टू नंबर में कन्वर्ट करना है इनटू मिनट में। दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 आवर्स, 1 आवर इक्वल टू हो जाता है 60 मिनट, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग को निकालना कितना का, 6 आवर का, तो 6 इंटू 60, 6 6 जा 36, और 0 का 0 बढ़ा दिए, तो ये मिनट में चेंज हो गया। उसके बाद बी नंबर में बनाना है 9 आवर, तो 9 इंटू 60, 9 6 जा 54, और 0 बैठा देंगे, ये मिनट में चेंज हो गया। सी नंबर में कितना करना है, 30 आवर को मिनट में चेंज करना है इस टू 60, 6 3 जा 18, और 1 0 ये है यहाँ बैठा दिए, ये भी 0 है यहाँ भी बैठा दिए, तो ये मिनट में चेंज हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों डी नंबर 22 आवर को चेंज करना है कितना में, मिनट में, तो 60 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13, इतना, और ये 0 बैठा दी। दोस्तों 0 वाला मल्टीप्लाई ऐसे कीजिएगा, मल्टीप्लाई 0 से नहीं करेंगे, ऐसे बैठा देते। उसके बाद ई नंबर में है 7 आवर, 7 इंटू 60, उसके बाद है 6 7 जा 42, और 0 एक यहाँ था बैठा दिए, मिनट में चेंज हो गया। उसके बाद एफ नंबर में है 12 इंटू, आवर में चेंज करना है तो 60, तो 12 6 जा 72, 0 का 0, और ये मिनट में चेंज हो गया। नेक्स्ट थ्री नंबर है दोस्तों कन्वर्ट इनटू मिनट, इसको मिनट में चेंज करना है। दोस्तों इसमें हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 आवर और 15 मिनट, तो प्लस 15 मिनट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 आवर को तो 2 इंटू हम लोग पढ़े थे अभी 16, 60,
और प्लस 15 ये मिनट में चेंज हो गया, क्योंकि 60 से 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो 6 टू जा 12 इतना प्लस 15, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 1 3 और 1 का 1, तो 135 ये मिनट हुआ। समझ में आएगा दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है क्योंकि इसमें आवर भी है मिनट भी है और मिनट में चेंज करने बोल रहा है। बी नंबर यहाँ बता रहा हूँ, 1 आवर प्लस 55, दोस्तों MIN पुराने लिख रहे हैं मिनट लिख रहे हैं, 1 आवर बराबर 60, क्योंकि 1 × 60 करेंगे तो 1 ये मिनट हो गया, प्लस 55 मिनट है ना, ये मिनट हो गया, तो 60 प्लस 55 तो हो जाएगा ये मिनट, 5 + 0 5 + 6 तो 11, 115 मिनट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बता रहा हूँ सी नंबर 9 आवर, डायरेक्ट इसमें करता हूँ दोस्तों, 9 × 60 प्लस 5 मिनट है, तो 9 × 6 = 54 प्लस 5 और 5 + 0 5, 4 × 4 5 × 5 ये मिनट में चेंज हो गया। उसके बाद डी नंबर में है 16 × 60, क्योंकि ये आवर में है तो मिनट में चेंज करेंगे, प्लस 20 ये दोस्तों मिनट में चेंज हो गया, तो 16 × 6 = 96 और 0 का 0 बैठा दिए, प्लस 20 तो 0 + 0 = 0 6 + 2 = 8 और 9 का 9 इतना मिनट हो गया। उसके बाद ई नंबर में है 7 आवर, तो 7 × 60 करेंगे क्योंकि मिनट में चेंज करना है, प्लस 40 मिनट है, तो 6 × 7 = 42 प्लस 0 प्लस 40 0 + 0 = 0 4 + 2 = 6 और 4 का 4 दोस्तों इतना मिनट हो गया। उसके बाद एफ नंबर में है 12 × 60 प्लस 45, तो 12 × 6 = 72 प्लस 45 5 + 0 5 + 4 + 2 = 6 और 7 का 7 ये मिनट में चेंज हो गया। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।